तो हेलो गेमर्स, कैसे हो? तो यार आ चुका हूँ न्यू वीडियो के साथ वापस एंड गाइस आज के इस वीडियो में। तो गाइस यार आज अपन आ चुके हैं वापस से GTA 5 के मेगा रैम में। एंड गाइस यार आज की याली वीडियो में अपन कूदाने वाले हैं दो गाड़ी। सबसे पहली गाड़ी रहेगी भी अपनी वैगनार, जो कि रियल लाइफ में आती है। एंड सबसे पहले गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे वैगनार खड़ी हुई अपनी इंडियन मारुति सुजुकी की वैगनार। एंड उसके पीछे भैया अपनी खड़ी है स्विफ्ट रेड कलर की। एंड दोनों की लुक दिखाऊंगा। सबसे पहले गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मारुति सुजुकी की वैगनार खड़ी यहाँ पे एंड पूरी व्हाइट कलर की। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आती है अपनी स्विफ्ट की रेड कलर की मारुति सुजुकी की भैया ये भी। एंड देख सकते हो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है पीछे स्विफ्ट। एंड दोनों गाड़ी को कूदेंगे एंड फिर देखते हैं कि गाइस क्या होता है। एंड रैंप की बात करें तो गाइस यार रैंप पे वही अपने जो इसके पहले फर्स्ट पार्ट में था वही वाला रैंप अपन यहाँ पे यूज करेंगे। एंड गाइस कूदाएंगे गाड़ी को एंड फिर देखते हैं गाइस क्या होता है। तो गाइस अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो आज वीडियो को शुरू कर लेते बिना किसी वक्त के। तो गाइस सिंपली गाइस सबसे पहले अपन यहाँ पे ट्राई करेंगे वैगनआर के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका पूरा इंटीरियर का लुक दिखाता हूँ कि गाइस रियल लाइफ में भी यार देखो यहाँ पे जो गाड़ी है इसका इंटीरियर भी कुछ इसी टाइप का रहता है। ऑरेंज ऑरेंज की इसकी लाइट जलती है। एंड गाइस पूरा इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ। पीछे सीट है, आगे जो अपना टेप लगा हुआ है। एंड गाइस पूरा रियल लाइफ में भी सेम टू सेम इंटीरियर वैगनआर का ऐसा ही होता है। तो गाइस आज अपनी सबसे पहली कार है गाइस वैगनआर। तो आ जाओ गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट इसको कूदाते हैं रैंप के नीचे। एंड गाइस बहुत तेजी से लेके जाएंगे एंड फिर देखते हैं गाइस ये कहाँ तक पहुँच पाएगी अपनी इंडियन कार। ठीक है, तो चलिए गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इसने 200 की स्पीड यहाँ पे क्रॉस कर दी है। ओके 250 क्रॉस हो गई है, 300 आई थिंक क्रॉस कर देगी। ओके 300 तो आराम से क्रॉस कर दी इसने, 350 क्रॉस कर पाएगी देखते हैं। ठीक है, तो भैया 300 की ऊपर स्पीड से चल रही है एंड ये 330 के ऊपर इसने कर दी क्रॉस कर दी स्पीड। एंड गाइस यहाँ पे 340 ओके 340 मान के चलो इसने स्पीड पकड़ ली थी। ओ भाई साहब, ओ भाई ओ भाई ओ भाई गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जो अपनी फर्स्ट पार्ट में जो अपनी कार थी वो भी लगभग इसी इधर ही आई थी, इधर आके टपकी थी जालियों का सामने। एंड तो गाइस टकरा के बाउंस हो गई। एंड इसका जो देख सकते हो इसका बम्पर जो आके खराब हो गया। एंड अपन वहाँ से पीछे से कूदे, मतलब भाई ये तो बहुत ज़्यादा ही तेज आई है। एंड सिंपली गाइस यार अब हम ट्राई करेंगे स्विफ्ट के साथ। एंड गाइस फिर देखते गाइस क्या स्विफ्ट जो है इस कार को अपनी वैगनआर को क्या बीट कर पाएगी। तो गाइस अगर आपको मज़ा आ रहा है तो लाइक कर देना एंड अगर आपको और आगे से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे बता देना। ओके तो सिंपली गाइस सर इसका रेडियो मन करता हूँ, नहीं तो बहुत डिस्टर्ब करता है ये रेडियो। ठीक है, तो आ जाओ गाइस अब बारी स्विफ्ट की। तो आ जाओ गाइस अब देखते गाइस स्विफ्ट क्या वैगनआर को बीट कर पाएगी। तो भैया देख सकते हो तो आपको इसका इंटीरियर लुक भी दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का इसका इंटीरियर है आगे से। एंड आई थिंक क्या रियल लाइफ में तो इसका इंटीरियर भी कुछ ऐसा ही होता है कुछ। ठीक है, थोड़ा सा होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ लाइट वाइट नहीं चल रही है, थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे होता है कुछ इस टाइप का इंटीरियर मारुति सुजुकी स्विफ्ट में। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो। तो गाइस यार अब इसमें किलोमीटर भी आपको दिख रहा होगा, आगे स्पीडोमीटर भी दिख रहा होगा जो कि वर्किंग में है। तो आ जाओ गाइस ज़्यादा टाइम बोल रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते, आ जाओ इसको कूदा देते थे। ओके ओके, तो गाइस अब देखते गाइस क्या ये बीट कर पाएगी वैगनआर को। तो ओके गाइस इसने तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे स्पीड पकड़ ली, 100 क्रॉस हो गई है, 200 क्रॉस हो गई है एंड 300 क्रॉस होगी हाँ हो जाएगी। ओके तो भैया इसने 300 की स्पीड क्रॉस कर दी है, 350 क्रॉस होगी। गाइस देख सकते हो इसका पूरा लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके ओके भैया 330 यहाँ पे इसकी क्रॉस हो गई है, 340 यहाँ पे क्रॉस हो गई हाँ हो गई। चलो ये क्या है, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, नहीं नहीं क्या हो क्या क्या है भाई, ये क्या है, क्या ये मजाक हो रहा है क्या है भाई, क्या हो क्या रहा है भाई, कहाँ टकराई भाई, क्या हुआ क्या, मैं तो कोई इसको समझ ही नहीं आया। अच्छा आई थिंक यार जो इसका जो आगे का वो है ना, मैं क्या बोलता हूँ उसको बम्पर, वो बम्पर ना थोड़ा सा छोटा है इसलिए गाइस वो रैंप से टिका नहीं पूरा अच्छे से। देख सकते हो इसका छोटा है थोड़ा सा बम्पर, तो यार ये रैंप से टिका नहीं और यहाँ से इस पर जस्ट पूरा जोर इसके बम्पर पर आया और यहाँ से टकरा के गोल घूम गई। अरे यार तो यार ये तो थोड़ा स्कैम सा हो गया, नहीं तो यार हो सकता था ये बीट कर दे या तो फिर बराबर भी आ सकती थी। अब गाइस अपन को रिजल्ट तो पता नहीं चले। तो अब आपको जो भी ट्राई करनी है कार तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, मैं उस पर ट्राई करूँगा 101% उस पर वीडियो बनाने की। तो फिलहाल गाइस अभी तो भैया कुछ बता नहीं सकते, देख सकते हो मैं नीचे से गिर चुका हूँ, गाड़ी अपनी अटक चुकी थी एंड अपना सर यहाँ पर फूट चुका है, पट्टे से हेडशॉट हो चुका है। तो भैया अभी फिलहाल रिजल्ट तो कुछ डिक्लेयर नहीं यहाँ पर नहीं हुआ है क्योंकि गाइस ड्रॉ हो गया क्योंकि बम्पर जो इसका छोटा बढ़ गया था। तो फिलहाल गाइस अगर आपको जो भी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अपने को ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय 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 बाय।